उम्र अय्यार। कोई तीस भी दुनिया की कहानी सुना मत, कोई काफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी। You really don't know who you are। सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी इसरारियत का हसीन इम्तिजाज। एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्र अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डी टी वी एन एन के साथ मैं हूँ किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। इमरान खान को कैद रखना आलमी कानून के मुनाफी है, अक्वामे मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप। पार्थिव पटेल ने बाबर आजम को खुद गर्ज क्रिकेटर करार दे दिया। सियोल में तेज रफ्तार कार हुजूम पर चरदौड़ी, 9 अफराद हलाक। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुतल्लिक एक वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सरबराह इमरान खान का मनमाने अंदाज में कैद रखा जाना बैनुल अक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी खबरसादारी के मुताबिक जेनेवा में कायम अक्वामे मुत्तहिदा आर्बिट्रेरी डिटेंशन के वर्किंग ग्रुप की तरफ से जारी बयान में मजीद कहा गया कि इस अमल का मुनासिब मदावा ये होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और आलमी कानून के मुताबिक हर जाने का हक दिया जाए। ख्याल रहे कि इमरान खान साइफर केस और तोशा खाना केस के अलावा दौरान इद्दत निकाह से मुतल्लिक केसेस में कई बरस की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा भी उनके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के दीगर केसेस की समाअत का सिलसिला जारी है। भारत के साबिक क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को खुदगर्ज क्रिकेटर करार दे दिया। YouTube वीडियो में उन्होंने कहा है कि जब आपका कप्तान ही खुदगर्ज हो तो टीम का कुछ नहीं हो सकता। एक वक्त था पाकिस्तान टीम में इंजमाम उल हक, शुएब अख्तर, वकार यूनस, वसीम अकरम, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक जैसे सुपरस्टार हुआ करते थे। अब बाबर आजम और रिजवान है। ये पाकिस्तान की कमजोर तरीन टीम है। ये T20 फॉर्मेट से मुताबकत ही नहीं रखती। इस दौर में जब 150-160 के स्ट्राइक रेट की बात होती है, इसके खिलाड़ी 120 में ही अटके हुए हैं। दुनिया में कप्तान खुद ओपनिंग करना चाहते हैं और बाबर आजम निचले नंबर पर खेलने लगे। जब आपका कप्तान ही ऐसा हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। जनूबी कोरिया के दाल हुकूमत सियोल में एक तेज रफ्तार कार ने लोगों के हुजूम को कुचल कर रख दिया, जिसके नतीजे में कम अज कम 9 अफराद हलाक हो गए। मुकामी खबरसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक कार सवार 68 साल शख्स ने ट्रैफिक स्टॉप पर खड़े पैदल चलने वालों पर अपनी तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि वो वाकई की तहकीकात कर रहे हैं, ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। मुकामी मीडिया के मुताबिक कार गलत सिमत में चल रही थी और पैदल चलने वालों से टकराने से कबल ही कार दो दीगर गाड़ियों से टकरा गई। पुलिस का कहना है कि ये हादसा सियोल सिटी हॉल के करीब एक चौराहे पर पेश आया। जायवकुआ से 68 साल गिरफ्तार होने वाले ड्राइवर ने मुबैना तौर पर पुलिस को बताया है कि गाड़ी की रफ्तार अचानक तेज हो गई। अब तक ले ताही, देखते रहिए डी टी वी एन एन और हमारा सिस्टर टीवी चैनल देसी टीवी यूएसए, जहां पर आपको इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन और एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।